आदमपुर उपचुनाव का रण, कौन कितना तैयार, कौन मारेगा बाजी, किसको मिलेगी मात, क्या परंपरागत सीट बचा पाएंगे भव्य, भजनलाल के गढ़ में कौन लगा पाएगा सेंध, रिकॉर्ड टूटेगा या बनेगा नया रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर और आप देख रहे हैं हरियाणा आज का स्पेशल शो SNA। आदमपुर विधानसभा का रण इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी भाग्य अजमाने जा रही है, लेकिन इस बार इस पीढ़ी को लोग कितना पसंद करेंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस हॉट सीट का थोड़ा इतिहास समझा देते हैं। भजनलाल परिवार आदमपुर सीट पर कई तरह के रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। आदमपुर सीट से 15 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भजनलाल परिवार के नाम पर है। वहीं इस सीट पर भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। आदमपुर विधानसभा सीट से भजनलाल, उनकी पत्नी जस्मा देवी, बेटे कुलदीप बिश्नोई और बहू रेणुका भी विधायक रह चुकी हैं और इस बार परिवार की तीसरी पीढ़ी से भव्य बिश्नोई मैदान में हैं, उतारे गए हैं। भजनलाल परिवार ही हरियाणा की सियासत में एक ऐसा बड़ा परिवार है जिस परिवार की दो महिलाएं विधानसभा की सदस्य बनने में सफल रही हैं। भजनलाल परिवार से भजनलाल की पत्नी जस्मा देवी 1987 में आदमपुर से विधायक चुनी गई थी, तो वहीं 2011 के उपचुनाव में इस परिवार से रेणुका बिश्नोई 2011 के उपचुनाव में विधायक बनने में कामयाब रही थी। वहीं इस सीट पर पिता पुत्र ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार इस सीट पर भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने टिकट दिया है। भव्य बिश्नोई तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भजनलाल के पौत्र हैं। आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। 1968 से अब तक भजनलाल परिवार ही यहां से जीतता रहा है। सियासी तौर पर इलाके में उनका पूरा दबदबा है। बता दें कि 1996 से अभी तक इस विधानसभा सीट पर विपक्षी दल का ही कब्जा रहा, लेकिन इस बार आदमपुर की जनता के पास मौका है कि दो साल ही सही सत्ता में बैठी सरकार के साथ जुड़ सके। अगर यह सोचकर वोटिंग हुई तो फायदा भव्य बिश्नोई को होगा। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के परिवार का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाली होट सीट पर इस बार समीकरण पूरी तरह बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी इस रण में अपने उम्मीदवार को सबसे पहले उतार चुकी है और उसके साथ ही दिल्ली और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव दिख रही है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अरविंद केजरीवाल के फोकस को इससे समझा जा सकता है कि उनका कहना है कि यदि हम यहां जीतते हैं तो फिर 2024 में सरकार बनाने के रास्ते खुल जाएंगे। दरअसल दिल्ली और पंजाब के बीच का राज्य होने के चलते हरियाणा की सियासत इन दोनों ही राज्यों से कुछ हद तक प्रभावित होती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल यहां अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस सीट पर अपना पूरा दमखम लगाने का प्रयास करेगी। उसको अगर हम कुछ इस तरह से समझे कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो उसी के चलते उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। अब इस पर चुनाव होना है और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत सभी दल यहां पर अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में हैं। एक तरफ खुद को हरियाणवी छोरा बताने हुए अरविंद केजरीवाल आदमपुर के लिए एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अभी आपसी कलह में ही उलझी हुई है। आदमपुर की सीट बिश्नोई परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। कुलदीप बिश्नोई इस सीट से 1998 से जीतते रहे हैं। ऐसे में इस बार का उपचुनाव खुद कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस की ओर से उन्हें नोटिस मिला था और बाद में उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी थी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस का एक सर्वे पूरा हो चुका है। अंतिम सर्वे के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करेगी। इसके बाद तीन नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा, वहीं से नाम तय होंगे। वहीं इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस फुल मूड में नजर आ रही है।
कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपचुनाव पर विस्तार से चर्चा कर सभी नेता और कार्यकर्ताओं की आदमपुर में जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी हैं। बैठक में हलका, हर गांव और पार्टी कार्यालयों के प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिस नेता की ड्यूटी जिस गांव में लगाई जाए वो उसी गांव में रहकर पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस गांव से लेकर बूथ स्तर तक अपनी पूरी फौज उतार चुकी है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप बिश्नोई को घेरने में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने हलके की जनता के साथ जो धोखा किया है उसका बदला जनता वोट की चोट से लेगी। आदमपुर की शुरुआत से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, भविष्य में कांग्रेस का गढ़ रहेगा। जिस तरह अब तक दो उपचुनाव में सरकार ने मुंह की खाई है उसी तरह आदमपुर भी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार केवल इवेंटबाजी में लगी हुई है। इसके अलावा आदमपुर उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल भी मुकाबले में उतरेगी। इस तरह आदमपुर सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है और देखना होगा कि चौतरफा मुकाबले में कुलदीप बिश्नोई कैसे अपनी परंपरागत सीट को बचा पाते हैं। क्या से आप कांग्रेस इनेलो सीट को बिश्नोई परिवार की झोली से छीन पाने में सफल होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं हमारे SNA को देखने के लिए। स्पेशल न्यूज एनालाइज है आदमपुर उपचुनाव पर, यह कवरेज थी। और भी खबरें, और भी कवरेज हम दिखाते रहेंगे, और भी एनालाइज हम करते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए हरियाणा आज से।